6 दिन, लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। ये चीज तो बेस्ट आपको शाहरुख ही बता सकते हैं, लेकिन मैं भी आज आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकोगे कि कौन सा गीजर जरूरी है आपके लिए और कौन सा गीजर आपके लिए बेस्ट होगा। फिर ना गूगल की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो देखने की और ना ही किसी से सलाह लेने की। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी कि ये तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और उसके बाद ये फैसला बहुत ही आराम से चंद मिनटों में आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट तरीके। देखिए, गीजर में 3 ही पार्ट होते हैं जिनकी मदद से एंटायर गीजर बनता है, लेकिन इनके बारे में जनरली आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि अगर ये आपको पता लग गया तो फिर कोई भी गीजर में तरह तरह के फीचर बता के आपको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट आता है वो है इनर टैंक का, यानी गीजर का इनर टैंक किस चीज से बना है। अब इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं और आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए ये मैं बताऊंगा इस सेगमेंट में। नंबर 1 आता है स्टेनलेस स्टील टैंक। अब स्टेनलेस स्टील टैंक के दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो दोनों बता देता हूं आपको। नंबर 1 होता है कि अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बहुत हाईली ड्यूरेबल होता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो करोड नहीं होता ओवर द पीरियड, तो काफी लंबा चल जाता है। इनकी जो हीट रिटेंशन यानी पानी को कितनी देर तक गर्म रखने की क्षमता है वो थोड़ी मॉडरेटली लो होती है, क्योंकि स्टील जल्दी से हीट को लॉस कर देता है। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये स्लाइटली हायर प्राइस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा। तो जनरली अगर आपके घर अच्छा पानी आता, अच्छा पानी से मतलब है कि एक बेसिक पानी, बहुत हाई टीडीएस नहीं, बहुत हाई मिनरल नहीं, एक नॉर्मल पानी आ रहा, तो आप इस तरह के टैंक को प्रिफर कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं कॉपर टैंक। इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत हाईली ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि कॉपर जो मेटल है वो काफी हाईली ड्यूरेबल है। अगर इनकी हीट रिटेंशन की बात करें तो सारे गीजरों में सबसे ज्यादा हीट रिटेंशन जो है वो कॉपर का ही होता है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा हाईली प्राइज होते हैं नॉर्मल गीजर से, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉपर जो कि हाई होती है। यूजेज की बात करें तो जनरली सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर में भी इन सम केसेस, या जहां पे ज्यादा पावर कट होता हो, कि अगर सुबह आपने चलाया गीजर में पानी भर गया और पावर बहुत देर तक कट जाएगी, तो ये काफी लंबे समय तक पानी को गर्म करके रख सकते हैं, तो उस केस में आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। अब तीसरा जो इसमें आता है वो ग्लास लाइंड इनेमल कोटेड टैंक। अब इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसकी भी ड्यूरेबिलिटी काफी हाई होती है, क्योंकि अंदर एक ग्लास की कोटिंग होती है जिससे कोरोजन से इसको बचा के रखती है। अब इनकी हीट रिटेंशन की बात करें तो हीट रिटेंशन भी इनकी काफी अच्छी, क्योंकि अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंसुलेशन है जिससे हीट रिटेंशन हाई होती है। हालांकि कॉपर जितनी अच्छी तो नहीं होती है, पर मोर और लेस उतनी ही मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये बहुत ही मॉडरेटली प्राइस होते हैं, मतलब हाई परफॉर्मेंस इन लो कॉस्ट, इसीलिए ज्यादातर गीजर में आजकल ग्लास लाइंड इनेमल कोटेड टैंक ही मिलते हैं। अब इनको आप हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर किसी भी तरह के पानी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बहुत सारे आते हैं, जैसे पॉलीमर कोटेड, गैल्वनाइज्ड आयरन टैंक एंड थर्मोप्लास्टिक टैंक। बट इस तरह के टैंक अगर हो तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। भाई ने बोला करने का तो करने का। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर पॉलीमर कोटेड है, ये काफी सस्ता मटेरियल है, इनकी ड्यूरेबिलिटी इज मॉडरेट, हीट रिटेंशन इज आल्सो मॉडरेट, जनरली यूज नहीं होते हैं। गैल्वनाइज्ड आयरन टैंक तो अब बंद ही हो गए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कोरोसिव थे और अगर हार्श वाटर कंडीशन है तो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। इन सम केसेस अगर बहुत सस्ता गीजर है आपका या लोकल है तो शायद थर्मोप्लास्टिक टैंक मिल जाएंगे। इनकी सब चीज लो टू मॉडरेट होती है और प्राइसिंग भी वेरी लो होती है, इसीलिए यूज होते हैं। बट आपको जो पहले 3 मैंने बताए, यानी स्टेनलेस स्टील, कॉपर और ग्लास लाइंड इनेमल कोटेड टैंक ही प्रिफर करना है। इसके अलावा कोई भी अगर टैंक हो तो आपको रिजेक्ट कर देना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब गीजर में पानी जहां गर्म हो रहा है, यानी टैंक, उसकी बात तो कर ली, पानी को जो चीज गर्म करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट में हम कवर करेंगे हीटिंग एलिमेंट जो आपके गीजर में लगे हैं वो कैसे होने चाहिए और कौन सा आपको प्रिफर करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस ऑफ वाटर जो आपके घर पे अवेलेबल है। सबसे नंबर 1 आता है कॉपर हीटिंग एलिमेंट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर कॉपर के बने एलिमेंट तो पानी को बहुत ही जल्दी वो गर्म कर देंगे। इनकी ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन ओवर द पीरियड अगर हार्ड वाटर है तो कैल्सिफिकेशन और कोरोजन की चांसेस इनमें थोड़े से हो जाते हैं। यूजेज इनका कॉमनली यूज होते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे पानी जो है वो नॉर्मल वाटर आता है या सॉफ्ट वाटर आता है, उस जगह ही प्रिफरेबल होते हैं कॉपर की हीटिंग एलिमेंट अगर आपको यूज करना है तो। अब दूसरा आता है जो अगेन काफी ज्यादा मॉडर्न गीजर में यूज होता है, वो है
इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट। इनकी जो हीटिंग करने की क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी हाई होती है, लेकिन कॉपर से थोड़ी सी कम होती है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में हालांकि कॉपर से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये स्केल और कोरोजन दोनों से मुक्त हैं। लंबे समय तक अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हार्श वाटर यानी हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर किसी भी तरह का पानी आता है तो आपको इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट को प्रिफर करना चाहिए। अब तीसरा आता है सिरामिक हीटिंग एलिमेंट। जो गर्म करने की क्षमता है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है लाइक मेटल्स। लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये स्केलिंग और कोरोजन दोनों से मुक्त होते हैं। इसीलिए इनको यूज कर सकते हैं आप ऐसे एरिया में जहां पे हार्ड वाटर आता है, या जहां पे आप गीजर लगा के भूल जाना चाहते हैं, वहां पे सिरामिक एलिमेंट को प्रिफर आपको करना चाहिए। इसके बाद आते हैं निकल कोटेड एलिमेंट। इनकी भी जो गर्म करने की क्षमता है वो मॉडरेट होती है, बहुत हाई नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये निकल कोटेड होते हैं तो ये भी कोरोजन से मुक्त होते हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली लो होती है, इसलिए बजट गीजर में आपको अक्सर निकल के एलिमेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दो एलिमेंट और होते हैं वो है टाइटेनियम और क्वार्ट्ज। बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, तो इनकी पानी गर्म करने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है, और उसके साथ साथ ये स्केल और कोरोजन फ्री भी होते हैं, इसीलिए काफी हद तक इनको प्रीमियम गीजर्स में यूज किया जाता है। टाइटेनियम तो फिर भी थोड़े बहुत गीजरों में मिल जाएगा, लेकिन क्वार्ट्ज अगर हीटिंग एलिमेंट है तो वो प्रीमियम यानी टॉप नॉच गीजर जो होंगे उनमें ही आपको मिलेगा। इसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज आता है ग्लास कोटेड। हो सकता है आपके सिरामिक का हो, निकल का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, उस पे अगर ग्लास कोटिंग एलिमेंट है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इनकी भी गर्म करने की क्षमता जो होती है वो मॉडरेट होती है, क्योंकि एक इंसुलेशन है ओवर मेटल, तो थोड़ा सा क्षमता कम हो जाती है लेकिन अच्छी होती है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये भी स्केलिंग, कोरोजन और जंग इन सब से आपके एलिमेंट को बचा के रखते हैं, और इनकी कॉस्ट जो होती है वो काफी अच्छी, काफी मॉडरेटली प्लेस्ड होते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस इन लेस प्राइस अगर आप चाहते हैं तो ग्लास कोटेड भी आप देख सकते हैं। देखिए मोटा मोटी तो मैंने सारे ही एलिमेंट डिस्कस कर दिए, इसके अलावा आपको एलॉय, स्टेनलेस स्टील और बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन एलॉय है, निकल है, सिरामिक है या और तरह के कुछ हैं तो उन पे आपको नहीं जाना है, आपको इन्हीं तीन चार पे फोकस करके यही सिलेक्ट करना है गीजर जिनमें इस तरह के एलिमेंट हों। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी जो गीजर की बॉडी है वो किस मटेरियल की होनी चाहिए और किस तरह की आपको बॉडी सिलेक्ट करनी चाहिए। तीसरा सेगमेंट जो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑप्शन आते हैं, इसमें दो ही मेन ऑप्शन आते हैं, एक प्लास्टिक बॉडी एंड मेटल बॉडी। अगर आप सस्ते इकोनॉमिकल में जा रहे हैं तो आपको मेटल बॉडी मिलेगी। मेटल बॉडी अगर आप ले रहे हैं तो जनरली ध्यान रखें ये कोटेड हो या इन पे किसी ना किसी तरह की कोटिंग जरूर हो, ताकि फ्यूचर में जंग से आपको बचा सकें, क्योंकि पानी का यूज है तो जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। दूसरा है मैक्सिमम गीजर अगर आप ले रहे हैं, हर कंपनी बनाती है वो प्लास्टिक एबीएस बॉडी होती है, तो वो जनरली मोटा मोटी सेम ही होती है, उसमें किसी ना किसी तरह का दाव पेच यूज करके कुछ नाम अलग दे देंगे, बट आपको देखना है कि एक अच्छी कंपनी गुड क्वालिटी प्लास्टिक बॉडी ही देती, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने का नहीं है। ध्यान अब क्या देना है कि इन तीनों को हमको कॉम्बिनेशन में देखना है, तो इसके बाद जस्ट एक चीज रह जाती है, एक बेसिक आधार कि कितनी वारंटी किस पे मिले, वो मैं आपको बता देता हूं। आप नोट कर लीजिए या कहीं ध्यान से सुन लीजिए, आपके इनर टैंक पे 5 या उससे ज्यादा साल की वारंटी हो, आपके हीटिंग एलिमेंट पे 3 या उससे ज्यादा साल की हो, और आपके कंप्लीट गीजर यानी आउटर बॉडी और सब चीजों पे 2 या उससे ज्यादा साल की वारंटी हो, तो ही आपको वो गीजर ऑप्ट करना है। ये नोट कर लीजिए, इससे कम अगर हो तो कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, थोड़े पैसे 200-400 एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन ये बेयर मिनिमम वारंटी जो होनी ही होनी चाहिए आपके गीजर में। तो देखिए ये थे वो मेन तीन एलिमेंट जिनसे गीजर बना होता है। इसके अलावा बाकी जितने फीचर हैं वो ऐड और रिमूव हो सकते हैं, बट ये एक आधार है गीजर का, तो यही तीन फैक्टर मेनली आपको कंसिडर करने चाहिए। उसके बाद डिजाइन, ब्रांड कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको आज इस वीडियो में ये तीन आधार बता दिए, इन आधार के बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो कभी भी गलत सामान सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करिए, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मास्टर तो बन ही चुके हैं, अब अपने और अपने दोस्तों और फैमिली की हेल्प करिए इस ठंड में गीजर खरीदने से पहले। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हमारी ईमेल आईडी दी हुई है उस पे आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ हो, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।